प्राइमेट्स दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है, क्योंकि इनको इंसानों के सबसे करीबी रिलेटिव्स जो मानी जाती है। दुनिया में 350 से भी ज़्यादा प्राइमेट्स की प्रजातियाँ पाई जाती है। वैसे ये एक एस्टिमेट नंबर है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। भारत के घने जंगलों में कई सारे प्राइमेट की स्पीसीज पाई जाती है जो बहुत अनोखी है, चाहे रूप से हो या गुण से। ये स्पीसीज अपने में ही एक आश्चर्य है। आज हम एक बेहद ही अनोखे प्राइमेट स्पीसीज के बारे में जानने वाले हैं। नाम सिंहपुच्छ बानर, यानी लायन टेल्ड मैकैक। दोस्तों, इस प्रजाति के बारे में कुछ अनोखे तथ्य जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। ये मैकैक भारत के केवल पश्चिम घाट पर्वतमाला और दक्षिण भारत में पाई जाती है। सिंहपुच्छ बानर यानी लायन टेल्ड मंकी का नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये तो आपको पूछ देख के ही पता चलेगी, पर मेरी माने तो इनका नाम लायन फेस्ड मैकैक ज्यादा सूट करता, क्योंकि शेर की तरह इनके भी चेहरे के दोनों तरफ लंबे खूबसूरत बाल है जो इनको एक छोटा मोटा शेर ही बनाती है। पूछ देखने की जरूरत नहीं, इनके चेहरे से ही आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। इनका बॉडी लेंथ 42 से लेकर 61 सेमी तक और वजन 2 से 10 केजी तक होती है। पूरा बॉडी घने काले रोम से ढकी होती है। चेहरे के दोनों तरफ के सफेद बालों की वजह से इनको एक जर्मन नाम बार्टअप्फी पड़ी है, जिसका मतलब है बियर्ड एप्स यानी मूंछों वाला वानर। ये बंदर प्रजाति दिन में ज्यादा एक्टिव होती है। दिन के ज्यादातर वक्त ये फल चुन के खाने में और खुद को संवारने में बिताती है। लायन टेल्ड मैकैक ग्रुप बना के रहती है, जिसमें कुल मिला के 20 सदस्य होती है। हर एक ग्रुप का अपना अपना इलाका होता है, जिसकी ये सब मिलकर रक्षा करती है। ये बंदर शाकाहारी जीवों में से है। ये जंगलों से विभिन्न प्रकार के फल, फूल, बीज और कभी कभी छोटे कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहती है। हर जगह के अनुसार ये खुद को ढाल सकते हैं। केरला के जंगलों में इनको पक्षी का शिकार करते हुए भी देखी गई है। पहले इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, पर अब ये भारत के कुछ हिस्सों में ही सिमट के रह चुके हैं। IUCN के अनुसार ये द मोस्ट थ्रेटेंड प्राइमेट स्पीसीज में से है। हम इंसान अनजाने में ही इनको मार रहे हैं। कृषि के लिए पेड़ पौधों की छटाई, वनों के बीच में से रास्ता और रेल पथ का निर्माण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ज्यादा पेड़ काट के गृह निर्माण इत्यादि कारण से इनके विचरण क्षेत्र की कमी बढ़ रही है।
हर किसी को पकड़ के तो नहीं समझाया जा सकता। बस एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि इन खूबसूरत जीवों की वजह से ही ये पृथ्वी इतनी रंग बिरंगी और खूबसूरत है। बस क्या आप इनके बिना एक अधूरी पृथ्वी देखने के लिए तैयार हैं? खुद से ये सवाल कीजिए। देरी बस इसी की है।